हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी टिक्कियाँ। आप सोच रहे होंगे आज मैं क्यों व्लॉग कर रहा हूँ, इसलिए कि इंचरा गई हुई ट्यूशन पे, तो आज का व्लॉग स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। शामी के लिए हमने लिया एक पाव चिकन, बोनलेस है, और 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और खड़े मसालों में 5-6 लौंग हैं, 2 इलायची और थोड़ी दालचीनी है, और 1.5 चम्मच कूटा हुआ जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 आलू और 1/2 पाव चने की दाल, और ये जिंजर पाउडर और अदरक पाउडर, और ये शामी कबाब मसाला, और नमक हसबे ज़ायका आप डाल सकते हैं। ये चीज़ें चाहिए। अभी सब जो है ना हम कुकर में डाल रहे हैं, सब चीज़ें मिक्स करके। उसमें मिक्स कर रहे हैं 1 लीटर पानी, उसमें बस थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 4-5 चम्मच चाय के चम्मच, तब जो है ना मेरी बेटी अभी जिद कर रही है कि मुझे फ्रेंच फ्राइज बना के दो, तो वो मेरे पास फ्रीज़र में पड़े हुए हैं, ये हम बाहर से लेके आए थे बच्चों के लिए, तो अब एक साइड पे जो है ना फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। गाइस, ये सीटी चढ़ा दिए इस तरफ शामी टिक्कियों के लिए, और इस तरफ मैं बना रहा हूँ मेरी बेटी के लिए फ्रोजन फ्राइज। तो गाइस, ये प्याज रख दिए भुनने के लिए, ये कीमे वाली टिक्कियाँ बना रहे हैं बीच में, और इस तरफ शामी टिक्कियाँ बन रही है, और इस तरह ये फ्राइज बन रहे हैं मेरी बेटी के लिए। उसको भूख लगी है इस टाइम पे, तो अभी तकरीबन शाम के 5 बजने वाले हैं। खैर, ये सीटी शुरू हो गई है अभी। सीटी 10 मिनट के लिए रखी है, अब 10 मिनट में इसको उतार देंगे, और ये फ्राइज भी बनने में देर नहीं लगती। और इंचरा का जो ट्यूशन का टाइम होता है ना, वो होता है 3 से 5, तो इस वजह से अभी इंचरा है नहीं, अब थोड़ी देर में आने ही वाली है, हो सकता है आधा व्लॉग उससे करवाएंगे। तो अभी ये प्याज को जो है ना चिकन में मिक्स कर रहे हैं, और बच्चों की वजह से हम जो है ना मिर्ची ज़्यादा नहीं यूज़ करते, हरी मिर्ची इसी वजह से डाली नहीं है, क्योंकि बच्चे भी शौक से खाते हैं कीमे वाली टिक्की है ना। और ये बच्चों के फ्राइज तो रेडी हो रहे हैं अभी, अभी देखिए हल्के हल्के ब्राउन हो गए, बस ये 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। तो गाइस, अभी इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, जो हम अपने गांव से ही लेके आते हैं, क्योंकि वहां पे घरों में पीस के फिर वो दुकानों पे बिकती है, तो इसी वजह से वो अच्छी लगती है हमें, उसका कलर भी अच्छा होता है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला है, और अब इसमें डाल रहे हैं सीख कबाब मसाला। अभी ये फ्राइज जल रहे हैं, अभी फ्राइज ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं।
बस एक मिनट और इसको जो है ना पकाएंगे, फिर ये रेडी है। तो गाइस ये फ्राइज रेडी हो चुके हैं, अब इसको चूल्हे से हटा देते हैं। अब ये बच्चों को प्लेट में लगा के देंगे। अरे अब इसमें डाल रहे हैं जिंजर पाउडर, चीनी वाले टिक्के में अभी डाल रहे हैं नींबू, थोड़ा सा नमक हसबे जायका, एज पर योर टेस्ट। अरे अभी इसमें दो नींबू डाल रहे हैं, क्योंकि नींबू से जो है ना इसका जायका अच्छा हो जाता है। तो गाइस फ्राइज रेडी हो गए, अभी बच्चों को फ्राइज दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं ये फ्राइज। बस 5 मिनट में रेडी। तो गाइस अभी ये बच्चे फ्राइज एंजॉय करते हुए, अब ये कीमे वाली टिक्कियों का मसाला रेडी हो चुका है, बस इससे टिक्कियां ही बनाएंगे। इसको जो है ना ग्राइंड कर लिया है, ये बरी ना आ रही है, केचप चाहिए फ्राइज लगाए भी दें। तो बच्चे अभी केचप के साथ फ्राइज एंजॉय करते हुए, ये केचप के बना बिना भी फ्राइज जो है ना इतने अच्छे नहीं लगते। गाइस अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि इसकी सीटी कंप्लीट हो गया टाइम। अब इसको थोड़ी देर इसको भूनेंगे, फिर इसको ग्राइंड करेंगे मसाले निकाल के। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसे। शामी टिक्किया बना के फ्रीज कर देते हैं, फिर जब दिल करता है तो 2 मिनट में तैयार हो जाती है। जैसे कीमे वाली टिक्किया भी ऐसे ही करते हैं, नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है। गाइस अभी इंचरा आ गई ट्यूशन से, अब आधा व्लॉग मैंने किया है, आधा व्लॉग ये खुद अपनी ड्यूटी संभालेगी। इसके मुंह से लग रहा है कि थकी हुई आई है, पर आधा व्लॉग इसको खुद करना पड़ेगा। सो गाइस अब मैं ट्यूशन से आ चुकी हूँ और मैं अपनी ड्यूटी खुद संभालूंगी, और अभी हम यहाँ से व्लॉग। सो गाइस अभी अम्मी ने ये कर लिया है, अभी ये थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर इसको अम्मी हम इसको ग्राइंड करेंगे। हाँ मुझे तो लगा घर में मैगी बनी है। सो गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं फ्राइज और एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। हेलो हेलो, बहुत टेस्टी है। सो गाइस अभी टिक्कियाँ हमने कर ली है, अभी हम इनको फ्रीजर में रखेंगे और फिर हम इनको ब्रेकफास्ट में खाते हैं। ब्रेकफास्ट में शामी का मसाला ग्राइंड कर रहे हैं। सो गाइस शामी के मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत से लोग जो है ना शामी बनाने के टाइम पे अंडा इस्तेमाल करते हैं, पर हम जो है ना इसमें अंडा मिक्स कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि शामी का जायका और भी अच्छा हो जाता है। तो गाइस अभी इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखेंगे, फ्रीजर में, और तक कि थोड़ा मसाला जो है ना इसका हो जाए। तो ये थोड़ी देर के बाद आपको फिर दिखाते हैं। शामी टिक्की अभी रेडी हो चुकी है, अब इनको फ्रीजर में रखते हैं। लगेगी ना तो उसी टाइम
बना के ये खा लेंगे, या फ्रीजर में कुछ मटन चिकन ये पड़ा हुआ है। सो हे गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल बनाए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।